हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई विश दैट यू विल बी फिट एंड फाइन। माई सेल्फ रामजी सर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 5 इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, एंड दैट इज़ द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। इसके पीछे वाले लेक्चर L4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनक्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, आइदर इट विल बी CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसके अंदर की FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर यूनिट सेल होती है बेसिकली, उसके अंदर जब पैकिंग हो रही होगी तो क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स। और ये जो है 2 टाइप्स के वॉइड्स होंगे, फर्स्ट इट विल बी द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सेकेंड इट विल बी द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि यदि n नंबर ऑफ स्फीयर्स हों तो देयर विल बी 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड n नंबर विल बी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आज हम लोगों को एक और चीज़ सीखनी है कि आखिर What will be the formula of the crystalline solid? और इस crystalline solid को just study करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि generally in ionic solid जो कि एक cubic structure unit cell के अंदर होता है, तो ionic solid के अंदर cation होता है, anion होता है। cation जो होता है smaller होता है, anion जो होता है वो bigger size में होता है। periodic table के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें 11th class में discuss किए हैं। तो generally क्या होता है पैकिंग के समय क्या होता है कि जो एनायंस होते हैं ये कॉर्नर पे अटैच होते हैं। सो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाट हैपेंस, द बिगर आयन स्पेशली जो एनायन होते हैं ये क्यूब के कॉर्नर पे प्लेस्ड होते हैं, ऑक्यूपाई होते हैं। और जब ये कॉर्नर पे ऑक्यूपाई होंगे सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 काइंड ऑफ दैट वॉइड्स, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये वॉइड जो है ऑक्यूपाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, स्मॉलर आयन्स यानी कैटायंस के द्वारा। तो कैटायन क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई द वॉइड्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइन पैकिंग। और यदि कैटायन बहुत छोटे हैं तो ये किसको ऑक्यूपाई करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे। लॉजिक क्या दिया जाता है कि चूंकि टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा नंबर में कैटायन चाहिए ऑक्यूपाइड करने के लिए, इसलिए यदि साइज छोटी होगी तो नंबर इट विल बी इंक्रीज। तो स्मॉलर यदि साइज है कैटायन का तो दे विल ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड, और यदि साइज बिगर है बड़ा है सो दे विल जस्ट ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो जनरल एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्शन है। सो ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइन पैकिंग ऑल टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर नॉट कवर्ड। क्या होता है जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा होता है, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सारे वॉइड जो है कैटायन के द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होंगे, इट विल डिपेंड्स अपॉन द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। और इसके बेस पे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंट काइंड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक दो एग्जांपल के साथ सीखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला एग्जांपल हम लोगों ने NCERT से ही लिया है, एग्जांपल नंबर 1.1 ऑफ NCERT दिया हुआ है कि एक कंपाउंड, अ कंपाउंड इज फाउंड बाय द टू एलिमेंट X एंड Y, एटम्स ऑफ एलिमेंट Y एज अनायन मेक द CCP दैट इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एंड दोज एलिमेंट ऑफ X occupy the all the octahedral voids. So what is the formula of compound? यानी इसके अंदर दो एलिमेंट हैं X और Y, X कैटायन है, Y एनायन है, और ये एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बताइए, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे ऑक्यूपाई किए जाते हैं कैटायन के द्वारा, तो बताइए कि क्या होगा फार्मूला। तो इस केस में हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे समझ सकते हैं, एक स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के बाद हम ये समझते हैं कि जिसके इसके जो कॉर्नर हैं, ऑल कॉर्नर्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द अनायन वाई, यानी नंबर ऑफ
स्फीयर इट विल बी नंबर ऑफ स्फीयर इट विल बी दैट विल बी इक्वल टू हम कह सकते हैं y. और यदि स्फीयर y है, स्फीयर y है, तो टेट्राहेड्रल कितने बनेंगे, वॉइड कितने बनेंगे, 2y, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, y. यानी यदि हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो देयर विल बी 2y, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इट विल बी y. सवाल में दिया हुआ है कि सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं किए जाते हैं कटायन के द्वारा, कितने किए जाते हैं, हाँ सॉरी, सवाल में दिया हुआ है कि सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए जाते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू वाई, एंड ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय द एक्स, दैट इज द कटायन. तो इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर इसका जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी एक्स वाई. बात समझ में आई, फिर से समझते हैं. सारे कॉर्नर जो है एनायन के द्वारा वाई, y चूंकि नंबर ऑफ स्फीयर हमने सपोज किया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2y, ऑक्टाहेड्रल वॉइड y, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज जस्ट ऑक्यूपाइड बाय द कटायन x, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, xy. इसको आप एक बार अपने प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बन रहा है कि नहीं, एस या नो करके. दूसरा एग्जाम्पल भी हमने एनसीईआरटी से ही लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1.2 ऑफ द एनसीईआरटी. एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स द HCP lattice, hexagonal close packed structure बनाते हैं, and those of element A occupied the 2/3 of the tetrahedral void. And पूछ रहा है कि what will be the formula of the compound. NCERT 1.2 example है, तो इसको फिर से वही बात समझते हैं कि यहाँ पर जो यूनिक क्यूबिक यूनिट सेल है, इस क्यूबिक यूनिट सेल का सारा जो कॉर्नर है किसके द्वारा, एनायन के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है, और वो एनायन क्या है, दैट इज़ द बी. यानी जितने भी स्फीयर हैं, स्फीयर की संख्या कितनी हो जाएगी, बी. टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2b. ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, बी. लेकिन ऑल द 2b वॉइड इज जस्ट नॉट ऑक्यूपाइड बाय द कटायन ए, इसका कितना पार्ट, दैट इज़ द 2/3 पार्ट ऑफ दिस. तो a अपॉन b का रेशियो क्या हो जाएगा, a अपॉन b की रेशियो क्या होगी, a इज इक्वल टू हाउ मच, a इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ 2/3 b. एच b की संख्या कितनी है, b. तो यदि इसको हम करें 2/3 b अपॉन b, b विल कैंसिल बाय b, यानी a अपॉन b इज इक्वल टू 2/3, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, यानी कंपाउंड का फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज a 2 b 3. तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज वेल एज द टेट्राहेड्रल वॉइड इन टू द क्यूबिक लैटिस. नाउ विल ट्राई टू बी अंडरस्टैंड द पोजीशन और लोकेशन ऑफ दीज वॉइड्स इन टू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. So locating the tetrahedral and octahedral voids into closed pack structure. सबसे पहले इसको हम समझने के लिए क्या कहेंगे, समझेंगे कि किसी भी क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 4. बॉडी डायगोनल्स का मतलब एक स्ट्रक्चर देखिए, क्यूबिक स्ट्रक्चर ए बी सी डी ई एफ जी एच. सो इन दिस वन 4 बॉडी डायगोनल्स, दैट इज GD, BE, HC, HC and AF. These it will be the 4 body diagonals. Or the position or location of the tetrahedral wires. कैसे है? 2 tetrahedral wires will be situated at each body diagonals. यानी हर एक बॉडी डायगोनल्स पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है पोजीशन होंगे, सिचुएटेड होंगे, ऑक्यूपाइड होंगे, प्लेस्ड होंगे. और कैसे प्लेस्ड होंगे, तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ये इस बॉडी डायगोनल्स को 1:2:1 के रेशियो में डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं. यानी यहाँ से इसकी दूरी रेशियो होगी 1,
इन दो टेट्राहेड्रल दूरी होगी ट्वाइस और यहाँ से इस कॉर्नर की दूरी होगी कितनी, वन। यानी जो बॉडी डायगोनल्स है 1:2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है बाय द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ये क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो यदि हम टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर यूनिट सेल काउंट करें तो कितने होंगे, 8, क्योंकि हर एक बॉडी डायगोनल्स पे दो टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्युपाई हैं और ये बॉडी डायगोनल्स किसी भी यूनिट सेल से शेयर नहीं होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर यूनिट सेल इट विल बी 8, 4 2 8। नाउ द नंबर इज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होते हैं कि दो तरीके से सिचुएटेड होते हैं। पहला होता है वन ऑक्टाहेड्रल वर्ड एट द सेंटर ऑफ ईच एज। किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, क्यूब के अंदर ये जो है एज होते हैं, एज कहलाते हैं, दैट इज ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, दीज आर एजेस एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस हाउ मेनी इट विल बी 12, 12 एज होते हैं और हर एक एज के सेंटर पे, हर एक एज के सेंटर पे यहाँ पे सिचुएटेड होगा क्या, दैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और एक एज चूँकि चार यूनिट सेल से ऑक्यूपाइड होता है तो वैल्यू ऑफ वन एज सेंटर इट विल बी, वैल्यू ऑफ वन एज सेंटर इट विल बी 1/4 × 12 = 3। यानी जितने भी एज पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्युपाई होंगे पूरे उनकी संख्या पर यूनिट सेल कितनी होगी, 3। और साथ साथ में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड इट विल बी सिचुएटेड एट द बॉडी सेंटर, सेंटर ऑफ दिस वन। तो यदि हम बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ एज सेंटर इट विल बी 3 और बॉडी सेंटर चूँकि किसी भी यूनिट सेल से शेयर्ड और नहीं होता है तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर यूनिट सेल इट विल बी इक्वल टू 3 + 1 = 4। यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर यूनिट सेल इट विल बी 4, टेट्राहेड्रल वर्ड पर यूनिट सेल इट विल बी 8। और यदि हम रेशियो जानना चाहें, ये भी सवाल आ चुका है कम्पिटिटिव एग्जाम में और वन वर्ड आंसर के लिए भी आ सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड, सो दैट इट विल बी 2:1। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हों, एन हों, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बताइए कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, एन, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 2n, और उनके बीच में रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:2 की, बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल इट विल बी 2:1। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप अपने असाइनमेंट को 1/1, नोट को 1/1 एनसीईआरटी से बनाते रहिए, एज मच एज यू कैन डू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज प्रैक्टिस आप करते रहिए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पढ़ते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। देखिए, एक मेरा फिर से बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो को वॉच, ये कोई इंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, इसमें आपको हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट को बनाना है। और जब तक साइंस है ये, जब लिंक टूट जाएगा, जब तक हम वीडियो को या किसी भी टॉपिक को फ्रॉम ए बिगनिंग टू एंड नहीं देखेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने स्टडी को, वीडियो को जो है रेगुलरली वॉच करते रहिए टिल द एंड रहे और कॉन्सेप्ट को बनाते रहिए। कोई भी डाउट है आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988 पर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।